अपना पैसा इन्वेस्ट करने के 7 तरीके, 7 बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं बात करूंगा REIT के बारे में। REIT क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT, और उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। इसमें कम से कम आप मतलब एज लो एज 350-400 भी इन्वेस्ट किए तो भी चल जा रहा है। इतने कम पैसे में आप रियल एस्टेट खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो। तो REIT क्या है? देखो, हर आदमी को लगता है कि अपना खुद का घर हो या अपनी जमीन हो और वहां से पैसा आते रहे, हर एक की ख्वाहिश होती है। मगर आप रियल एस्टेट या जमीन खरीदना जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो ऐसी कोई तो भी बहुत दूर अंदर की जमीन, अंदर का प्लॉट मिलेगा तो सस्ते में मिल जाएगा, मगर वो बेचे भी नहीं जाएगा और पता नहीं क्या होगा उसका। यदि आपको एकदम गोल्ड होना है, गोल्ड मतलब गोल्ड जैसा प्लॉट होना है, तो एकदम कमर्शियल प्लेस पे होना, मेन रोड पे होना, ताकि वो कभी भी बेचे जा सकता है। अब ऐसा प्लॉट आपको बहुत महंगा मिलेगा, आपको हो सकता है कि 50 लाख से लेकर 2-3 करोड़ तक पैसा डालना पड़ेगा जमीन के लिए, या फिर कंस्ट्रक्टर है तो उसमें उतना पैसा लगेगा और फिर वहां से आपको इनकम मिलेगा। उसमें हमको देखना पड़ेगा कि ये खरीदने के बाद में भी वो प्लॉट बराबर है क्या, उसके कागज बराबर है क्या, कहीं अपने को फंसाया तो नहीं जा रहा है, उसके वारसदार देखो, उसका सर्च रिपोर्ट निकालो, उसके टैक्सेस और कॉरपोरेशन में उसकी एंट्री बराबर है कि नहीं, 7-12 में बराबर है कि नहीं, वो देखो। फिर खरीदने के बाद में फिर मतलब रजिस्ट्री का खर्चा भी है, वो अपने को करना पड़ेगा। फिर वो किसको किराए से देना, उसका एग्रीमेंट, अच्छा किराएदार देखना। तो ये सब बातें यदि आपको नहीं करनी है तो आपने क्या करना है कि जो कंपनीज ये सब करती है उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, मतलब ये आउटसोर्स कर दो। ऐसी कंपनीज है कि जहाँ वो लोगों से पैसा लेते हैं, समझो कोई 5,000 दे रहा, कोई 10,000 दे रहा, कोई 20,000 दे रहा, कोई 25,000 दे रहा, कोई 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, ऐसा उन्होंने 100 करोड़ का कॉर्पस जमा कर दिया। अभी 100 करोड़ में वो बड़े सिटीज में, बंगलोर है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, पुणे है, ऐसी जगह पे वो जमीन खरीदेंगे, वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कमर्शियल प्लेस किराए से देंगे, और जो भी किराया आता है उसका 90% उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है जिन्होंने इन्वेस्ट किया। इसका मतलब ऐसा है कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका आपको रेगुलरली किराया आता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और वो जमीन की जो वैल्यू बढ़ती है वो मुताबिक ये जो शेयर है कंपनी का उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसा एम्बेसी पार्क नाम की कंपनी ये करती है, या माइंड स्पेस नाम की कंपनी ये करती है, और समझो उसका अभी शेयर जो है वो 320 रुपये का है, अभी 320 वाला शेयर जो है बढ़ता बढ़ता जाएगा, कल 350-400-500 होगा, तो यहाँ आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। और दूसरा, आपको उसका रेंटल भी इनकम आ रहा है, और रेंटल इनकम अप्रोक्सीमेटली 5-6-7% आता है, और ये जो एप्रिसिएशन हो रहा है 2-4% हो जाएगा। मतलब आपको रियल इस्टेट में 10-11% का रिटर्न ये REIT जो है ये कंपनीज दे सकती है। इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें एडवांटेज है कि आपको एकदम मतलब 300-400 रुपये भी उसमें इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, 1,000-2,000-5,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1,00,000-2,00,000-5,00,000 भी कर सकते हैं, और आपको जब चाहिए, जैसा कल पैसा चाहिए और कल मार्केट खुला है तो आपको कल पैसा मिल जाएगा वापस, मतलब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो आप बेचने जाओ तो सस्ते में बेचना पड़ता है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये जो है रीट, REIT, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें आप अपना पैसा डाल सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड जैसा है एक तरह का। म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेता है और वो अलग अलग कंपनीज खरीदेगा और वो कंपनी खरीदने के लिए पैसा डालेगा। म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है आपका पैसा, म्यूचुअल फंड में रिसर्चर्स है, वो रिसर्चर्स देखते हैं कि कौन सी कंपनीज के स्टॉक खरीदना चाहिए और वो हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड वो जो है वो स्टॉक खरीदेगा, आपका पैसा लेके स्टॉक खरीदेगा और आपको उसके ऊपर डिविडेंड देगा। सेम है, सिर्फ यहाँ ये कंपनी जो है ये कंपनीज खरीदने के बदले, मतलब स्टॉक्स और शेयर्स खरीदने के बदले लैंड खरीदती है, कमर्शियल लैंड खरीदती है। इसमें ये सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, मतलब ऐसा डूबने का कोई चांस नहीं है कि भाई ये ऐसी हल्की कंपनी नहीं है कि भाई कोई भी आ गया पैसे मांग रहा आपको। नंबर एक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये रजिस्टर्ड है ताकि आप कभी भी ले सकते, कभी भी बेच सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये है कि उन्होंने जितना भी पैसा लिया उसका 80% पैसा उनको कमर्शियल में डालना पड़ता है, वैसे फ्लैट में नहीं डाल सकते क्योंकि फ्लैट्स वगैरह में ज़्यादा इनकम नहीं मिलता है, तो वो इसका एक एडवांटेज है। ये कंसेप्ट फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छा पॉपुलर है, अभी इंडिया में नया नया है, पॉपुलर होने को टाइम लगेगा, और जैसे पॉपुलर होते जाएंगे तो लोग उसमें जम करते जाएंगे, अभी नया है तो उसका एडवांटेज आप ले लो। थैंक यू वेरी मच।